TWS ईयरफोन्स का जमाना है और बहुत सारे ब्रांड्स अपने बहुत सारे TWS ईयरफोन्स लॉन्च कर रहे हैं। वैसे OnePlus ने अपना OnePlus Buds लॉन्च किया था अपने नॉर्ड स्मार्टफोन के साथ, और अभी OnePlus Buds Z आ चुका है। ये OnePlus 8T के साथ लॉन्च हुआ था, हम इसे पिछले कुछ हफ्तों से यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको हम इसका रिव्यू देने वाले हैं और आपको बताएंगे कि क्या आपको OnePlus Buds Z खरीदना चाहिए या नहीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो काफी शॉर्ट और टू द पॉइंट होने वाला है। हम इसी ईयरफोन्स के बारे में आपको बताएंगे, थोड़ा बहुत कंपैरिजन करेंगे OnePlus Buds के साथ, और जो माइक है उसे भी कंपेयर करेंगे इवन टू दी एप्पल एयरपॉड्स, क्योंकि उसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है यूजली माइक या फिर कॉल क्वालिटी में। तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉल्स लेते हैं तो आपको OnePlus Buds Z लेना चाहिए या नहीं। स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर के साथ। तो जो केस है OnePlus Buds Z का वो काफी छोटा और कॉम्पैक्ट हमें मिल जाता है। पिल शेप में आपको केस मिलता है और ये आपके जेब में आसानी से फिट हो जाता है। व्हाइट कलर है हमारे पास और एक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, तो स्क्रैचेस और डस्ट आसानी से लग जाता है इस पे, लेकिन ये ठीक है, आप उसे साफ भी कर सकते हैं। USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है पीछे की तरफ और एक बटन भी दिया गया है पेयरिंग के लिए। सामने की तरफ एक छोटा सा नॉच मिल जाता है जिसके मदद से आप फ्लैप को लिफ्ट कर पाएंगे, और लिफ्ट करते ही आपको OnePlus Buds Z दिखेंगे केस के अंदर, एक डायगोनल फैशन में रखे गए हैं। ये काफी अनकन्वेंशनल है, यूजुअली वर्टिकल ओरिएंटेशन में ईयरबड्स को रखा जाता है इन TWS ईयरफोन्स के केसेस में, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन भी हमें अच्छा लगा है। OnePlus Buds Z का पहला डिफरेंस जो है कंपेयर टू दी OnePlus Buds वो ये है कि ये इन ईयर स्टाइल ईयरफोन्स है, और जो OnePlus Buds थे वो ओपन ईयर स्टाइल के थे या फिर हाफ इन ईयर आप कह सकते हैं। तो ये आपके कानों के अंदर जाके बहुत ही कंफर्टेबली बैठ जाते हैं और बाहर नहीं निकलते। अगर आप अपना सर हिलाएंगे या फिर आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तब भी आपके कानों से ये बाहर नहीं निकलने वाले हैं। बस यही नहीं, इस फिट के वजह से आपको जो नॉइस आइसोलेशन मिलता है और जो बेस का इफेक्ट मिलता है वो बेटर है कंपेयर टू द OnePlus Buds। अब साउंड क्वालिटी के बारे में हम बात कर ही रहे हैं तो उसी पे डायरेक्टली चले जाते हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि सरप्राइजिंगली द OnePlus Buds Z जो सस्ते हैं कंपेयर टू द OnePlus Buds, दे एक्चुअली साउंड बेटर देन द ओरिजिनल OnePlus Buds। नाउ अगेन ये फिट के कारण भी हो सकता है, और जो साउंड सिग्नेचर है वो इस ईयरफोन्स का ज्यादा लोगों को पसंद आने वाला है कंपेयर टू दी ओरिजिनल OnePlus Buds। जो बेस है वो इस ईयरफोन्स में अच्छा खासा मिल जाता है, वोकल्स काफी क्लियर साउंड करते हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा हिप हॉप या फिर पॉप म्यूजिक सुनते हैं या फिर रैप सॉन्ग सुनते हैं तो आपको ये ईयरफोन्स काफी अच्छे लगने वाले हैं। जो साउंड स्टेज है इन OnePlus Buds Z का वो हमें काफी अच्छा लगा है, एंड इफ योर मेन प्रायोरिटी इज म्यूजिक तो आपको जरूर OnePlus Buds Z के लिए ऑप्ट करना चाहिए कंपेयर टू दी OnePlus Buds। वीडियोस देखते वक्त भी हमें कोई भी लैग या लेटेंसी ज्यादा नजर नहीं आया, और अगर आप कॉल्स करते हैं तो माइक का क्वालिटी हमने कंपेयर किया है टू दी ओरिजिनल OnePlus Buds एंड दी एप्पल एयरपॉड्स, तो उसका साउंड रिकॉर्डिंग आप अभी सुन सकते हैं। This part of the call is now being recorded using the OnePlus Buds, the original OnePlus Buds that came out some time back, not the Buds Z. And you can hear the sound quality and also how well it's cancelling out the background noise in this particular situation. This part of the audio is being recorded using the OnePlus Buds Z. And again, as with the other two, you should be able to make out how exactly it's capturing the audio, the quality, and also how well it's cancelling out the background noise in this particular situation. This part of the audio is now being recorded using the Apple AirPods, and you should get an idea of what exactly the audio is going to sound like on these particular earphones, and also how well it is cancelling out the background or the ambient noise that is there. जो बैटरी लाइफ है इस OnePlus Buds Z का वो भी हमें काफी इंप्रेसिव लगा है। USB टाइप सी से ये चार्ज हो जाते हैं, और एक बार आपने चार्ज कर लिया फुल्ली इनको तो मेरे यूजेस में मुझे 4 से 5 दिन का बैकअप मिला है इन ईयरफोन से। मैं एक हैवी यूजर नहीं हूँ, बहुत सारे गाने नहीं सुनता हूँ, लेकिन एवरेज आपको 4 से 5 दिन आराम से मिल जाएगा इन ईयरफोन्स के थ्रू। अगर आप बहुत सारे गाने सुनते हैं और हाई वॉल्यूम्स पे सुनते हैं तो आपको थोड़ा कम मिल सकता है बैटरी लाइफ, लेकिन दिस इज व्हाट आई हैव बीन एक्सपीरियंसिंग। जो चार्जिंग स्पीड है वो OnePlus Buds जितना फास्ट नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ओवरऑल फॉर द प्राइस द OnePlus Buds Z इज एक्चुअली अ वेरी सॉलिड TWS ऑप्शन। अगर आप OnePlus Buds लेने की सोच रहे थे तो मैं कहूंगा उससे अच्छा पैसे बचा लीजिए और OnePlus Buds Z ले लीजिए, क्योंकि जो म्यूजिक क्वालिटी है वो हमें पर्सनली बेटर लगा है, और माइक का क्वालिटी भी जो है सरप्राइजिंगली बेटर है इस OnePlus Buds Z में।
अगर आपको कंट्रोल भी करना है तो हे मेलेडी ऐप मिल जाता है वन प्लस का, तो उसके मदद से आप इसके जो टच कंट्रोल्स है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो एक अच्छी बात है। एंड ओवरऑल कंसिडरिंग द फंक्शनैलिटी एंड द साउंड परफॉर्मेंस, मैं कहूँगा कि जो वन प्लस बड जी है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है एट इट्स सेलिंग प्राइस। अगर आपके कोई भी सवाल है वन प्लस बड जी के बारे में, या फिर आप चाहते हैं कि हम इसे कंपेयर करें कोई और TWS ईयरफोन से इसी प्राइस में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।